नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दानी क्लासेज ऑनलाइन। तो आज हम एल्कोहल फिनाल ईथर के पाठ में जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे वह है मेथिल एल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मेथिल एल्कोहल अथवा मेथेनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो इसमें जो पहली प्रयोगशाला विधि है वह है लकड़ी के भंजक आसवन से, लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल एल्कोहल का निर्माण। तो आइए हम देखते हैं कि लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। देखिए, इसमें हम कहेंगे कि लकड़ी को हम लेते हैं, मतलब लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को लेते हैं और उसे एक रिचार्ज, किसमें? रिचार्ज में। रिचार्ज मतलब एक पेटी की तरह या बॉक्स की तरह रचना होती है। रिचार्ज एक पेटी या बॉक्स की तरह रचना होती है जिसमें हम लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करते हैं? भर लेते हैं। भरने के बाद हम इस रिचार्ज, इसे हम रिचार्ज कहेंगे, इस रिचार्ज को हम लोहे की भट्टी में, इस रिचार्ज को हम लोहे की भट्टी में रखते हैं और इसे कितना, इसे उच्च ताप मतलब 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। तो आप कहोगे लकड़ी के भंजक आसवन से जब हम मेथिल एल्कोहल बनाते हैं तो हम लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को एक बॉक्स में भरते हैं, एक बॉक्स में भरेंगे। इस बॉक्स का नाम रिचार्ज है। क्या है? रिचार्ज है। तो मतलब रिचार्ज एक बॉक्स होता है जिसमें हम लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को भरते हैं। भरने के बाद क्या होता है कि इस रिचार्ज को हम लोहे के या जो भट्टी बनी होती है उस लोहे अथवा अन्य भट्टी में ले जा के इसे हम क्या करते हैं, इस रिचार्ज को रख देते हैं और वहाँ पर उच्च ताप मतलब 500 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पर उच्च ताप मतलब 500 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप प्रवाहित करते हैं। तब ये लकड़ी क्या होती है आपकी, भंजित आश्वित हो जाती है, मतलब भंजन हो जाता है, इस लकड़ी का भंजन हो जाता है, मतलब लकड़ी पूरी तरह से पिघल जाती है। पिघलने के बाद आपको तीन चीज़ें प्राप्त होंगी। पिघलने के बाद मतलब जब ये लकड़ी पूरी तरह से पिघल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो मिलेगा आपको तीन चीज़ें। उसमें पहला आपको मिलेगा पाइरोग्लिनियस अम्ल। पहला क्या मिलेगा? पाइरोग्लिनियस अम्ल, पाइरोग्लिनियस अम्ल मिलेगा। और दूसरा मिलेगा काष्ठ गैस। क्या मिलेगा? काष्ठ गैस। और तीसरा इसमें मिलेगा आपको कोयला, या काष्ठ कोयला मतलब लकड़ी का कोयला, काष्ठ कोयला। तो आपने देखा कि जब हमने लकड़ी को किसमें, लोहे की भट्टी में 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया तब हमको निम्न चीज़ें प्राप्त हुई। पहला क्या मिला? पहला हमको मिला कि पाइरोग्लिनियस अम्ल। क्या मिला? पाइरोग्लिनियस अम्ल मिला। दूसरा हमको मिला काष्ठ गैस। क्या मिला? काष्ठ गैस मतलब लकड़ी की गैस, या मतलब जो काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी की गैस होगी। और तीसरा हमको मिला काष्ठ कोयला, मतलब लकड़ी के जलने के बाद जो शेष भाग मिला वो क्या कहलाता है? काष्ठ कोयला कहलाता है। आइए हम देखते हैं कि पाइरोग्लिनियस अम्ल में क्या क्या होता है और काष्ठ गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं तथा काष्ठ कोयला। तो हम जानते हैं कि ये कोयला वाला भाग है, इसमें कोई हमको मतलब ही नहीं है। तो आप कहोगे कि पहला पाइरोग्लिनियस अम्ल। तो आइए हम देखते हैं कि पाइरोग्लिनियस अम्ल में क्या क्या मिलता है। इसमें आपको मिलेगा CH3 COOH, मतलब इसमें आपको मिलेगा एसिटिक अम्ल। क्या मिलेगा? पाइरोग्लिनियस अम्ल में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको मिलेगा यहाँ पर मेथिल एल्कोहल, कुछ परसेंटेज, कितना मिलेगा? कुछ परसेंट के रूप में आपको मिलेगा मेथिल एल्कोहल। शेष मात्रा में मिलेगा आपको एसीटोन। क्या मिलेगा? एसीटोन। और अतिरिक्त मतलब जो लास्ट में बचा है शेष मात्रा में होगा आपका जल। तो देखिए,
पाइरोग्लिनियस अम्ल में निम्न घटक मिलते हैं, मतलब पाइरोग्लिनियस अम्ल निम्न घटकों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला है आपका एसिटिक अम्ल, दूसरा है आपका मेथिल अल्कोहल, तीसरा है आपका एसीटोन और चौथा क्या है जल। तो ये पाइरोग्लिनियस अम्ल में ये चीज़ें पाई जाती हैं और इनसे ही हम मेथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पाइरोग्लिनियस को हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या मिलता है। दूसरा हम देखेंगे कास्ट गैस, मतलब हम बात कर रहे हैं कास्ट गैस की, तो इसमें मिलेगा आपको CH4 मतलब मीथेन, मिलेगा आपको N2 नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस मिलेगा और कुछ मात्रा में C2H6 भी मिलता है, मतलब ये सारी गैसें इसमें पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त मिलेगा इसमें आपको CO2 या मिलेगा CO2 और CO, ये सभी गैसें किसमें मिलेंगी आपको कास्ट गैस में मिलेंगी। तो कास्ट गैस में आपको मिलेगा क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इसमें मेथेन मिलेगा, नाइट्रोजन गैस मिलेगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी, एथेन मिलेगा, CO2 गैस मिलेगी और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी। तो हमने देखा कि जो हमने लकड़ी के भंजक आसवन से मतलब भंजक आसवन किया तो हमको जो मेन मतलब प्रमुख तीन पदार्थ मिले, तीन यौगिक मिले, पाइरोग्लिनियस अम्ल और कास्ट गैस, उसको हमने देखा तो हमको जानकारी मिली कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कास्ट कोयला हो गया, इसके बाद आप कहोगे कास्ट कोयला के सॉरी ये कास्ट कोयला नहीं होगा, यहाँ पे कास्ट होगा आपका कास्ट टार होगा, तो कास्ट टार होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ क्या है, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि कास्ट टार क्या है। देखिए जब आप पाइरोग्लिनियस अम्ल सॉरी जब आप लकड़ी का भंजक आसवन करते हैं तो तीसरा जो पदार्थ होगा वो कास्ट टार होगा, मतलब लकड़ी के भंजक आसवन करने पर धुएं के जैसा एक काले रंग का पदार्थ मिलता है, धुएं के जैसा एक काले रंग का पदार्थ मिलेगा और वह सतह पर जमा हो जाता है, इसे ही हम कास्ट तार कहते हैं, इसे ही हम क्या कहेंगे कास्ट तार कहते हैं। और इसमें कई प्रकार के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, मतलब कास्ट तार में आप क्या मिलते हैं कई प्रकार के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि ये इसके प्रमुख तीन घटक हैं, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है केवल किससे, पाइरोग्लिनियस अम्ल से। क्यों मतलब है, क्योंकि हमको उसके द्वारा ही क्या प्राप्त करना है, मेथिल एल्कोहल प्राप्त करना है। तो आइए हम देखते हैं कि पाइरोग्लिनियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए कि पाइरोग्लिनियस अम्ल से हम मेथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे उसकी विधि हम देखेंगे। देखिए आप इसमें होगा क्या कि पाइरोग्लिनियस अम्ल को जब मेथिल एल्कोहल मतलब पाइरोग्लिनियस अम्ल से जब हम मेथिल एल्कोहल को बदलेंगे या बनाएंगे तो उसमें हम निम्न प्रक्रम मतलब दो तीन विधियों को अपनाएंगे, जिसमें से पहली विधि देखिए आप, जिसमें पहली विधि क्या होगी कि मतलब पाइरोग्लिनियस अम्ल से जब हम मेथिल एल्कोहल बनाएंगे तो उसमें पहली विधि क्या है। देखिए आप कहोगे कि पाइरोग्लिनियस अम्ल की वाष्प को चूने के पानी के साथ क्रिया कराते हैं, तो आप कहोगे कि पाइरोग्लिनियस अम्ल ये जो प्राप्त हुआ है इसको हम किसके साथ, चूने के पानी के साथ क्रिया कराएंगे। जब हम इसे हम क्या करेंगे चूने के पानी के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ध्यान देना, इससे आपकी दो चीज़ें, पहला क्या मिलेगा आपको, पहला आपका मिलेगा एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये चीज़ मिलेगा। और ये एसिटिक अम्ल किस रूप में, ये एसिटिक अम्ल कैल्शियम एसिटेट के रूप में, ये जो एसिटिक अम्ल है ना ये कैल्शियम एसिटेट के रूप में पृथक हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। तो पुनः ध्यान दीजिए आप कहेंगे कि हम पाइरोग्लिनियस अम्ल को चूने के पानी के साथ क्रिया कराते हैं, तो जब हम इसे चूने के पानी के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, एसिटिक अम्ल, मतलब एसिटिक अम्ल अलग होगा, लेकिन ध्यान देना एसिटिक अम्ल के रूप में नहीं होगा, वह होगा
कैल्शियम एसीटेट के रूप में अलग होगा। किस रूप में? कैल्शियम एसीटेट के रूप में अलग होगा। तो हमने इसको देखा। देखिए दूसरी विधि क्या है कि जो बची हुई वाष्प है, जो बची हुई वाष्प रहेगी उसको हम किसी क्रिया कराएंगे? अब देखिए जो मतलब बची हुई वाष्प रहेगी पाइरोग्लिनेस की, जो मतलब बची हुई वाष्प है उसे हम बुझे हुए चूने के पानी से क्रिया कराते हैं। चूने के पानी से क्रिया कराते हैं। तो जब हम इससे मतलब बिना बुझे हुए चूने के पानी के साथ क्रिया कराएंगे तो होगा क्या? देखिए जब आप इसे बिना बुझे हुए चूने के साथ क्रिया कराएंगे तो इसमें से जो जल है, जल क्या होगा? जल बाहर निकल जाएगा। तो मतलब इसमें जो जल की मात्रा थी वो जल आपका बाहर चला जाएगा, जल बाहर चला जाएगा। तो हमने इतना देखा कि जब हम पाइरोग्लिनियस अम्ल में जो कुछ मतलब बचे हुए भाग था उसे हमने क्या किया? चूने के पानी के साथ क्रिया कराया तो जल बाहर निकल गया। तो हमने ये चीज़ देखा। अब इसके आगे हम देखेंगे इस प्रकार जो हमें निर्जल, इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होता है? निर्जल विलयन प्राप्त होता है। तो देखिए निर्जल विलयन का प्रभाजी आसवन 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं तब हमें मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या होता है? जब हम प्राप्त निर्जल विलयन का प्रभाजी आसवन करते हैं 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर तब हमें क्या प्राप्त होता है? मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। लेकिन यह मेथिल एल्कोहल कैसे होगा? अशुद्ध होगा। यह मेथिल एल्कोहल शुद्ध नहीं रहता है। और ध्यान देना इसमें अधिक मात्रा में एसीटोन की मात्रा होती है। मतलब इस एल्कोहल, इस मतलब विलयन में जो एल्कोहल मिलता है उसमें कुछ मात्रा में एसीटोन की मात्रा होती है। तो एसीटोन को निकालने के लिए उसमें हम क्या मिलाते हैं? उसमें हम मिलाएंगे NaHCO3 मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट को मिला देंगे। जब हम सोडियम बाई कार्बोनेट को मिला देंगे तो क्या होगा? जो एसीटोन होगा वह क्या होगा? वह सोडियम बाई सल्फाइड के रूप में, जो एसीटोन होगा वह सोडियम बाई सल्फाइड के रूप में बाहर चला जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें हम सोडियम बाई सल्फाइड को कैसे मिलाते हैं। तो देखिए जब आप निर्जल मतलब प्राप्त निर्जल विलयन का प्रभाजी आसवन करेंगे 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो क्या होगा? मेथिल एल्कोहल बनेगा लेकिन वह अशुद्ध होगा क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में एसीटोन की मात्रा होती है। तो आइए देखते हैं इसका हम शुद्धिकरण कैसे करते हैं। CH3OH प्लस इसमें क्या रहता है आपका? CH3COCH3 ये आपका अधिक मात्रा में रहता है। तो आप क्रिया कराओगे इसे सोडियम बाई सल्फाइड से। किससे कराओगे? सोडियम बाई सल्फाइड से। तो देखिए ये है मेथिल एल्कोहल, ये है एसीटोन और ये क्या है? सोडियम बाई सल्फाइड से आपको क्रिया कराना है। तो आप कहोगे कि जब हम सोडियम बाई सल्फाइड से क्रिया कराएंगे इसको तो क्या बना लेगा? ये बनाएगा सोडियम बाई एसीटोन, क्या बनाएगा? सोडियम बाई सल्फाइड के रूप में बना लेगा। तो देखिए ये बनाएगा जो आपका प्रोडक्ट हुआ, बनाएगा CH3CO, ऐसे मतलब बनाएगा आपका यहाँ पे OH हो जाएगा और SO3। तो इसका नाम क्या है? ये सोडियम बाई सल्फाइड है। मतलब जो इस विलयन में एसीटोन था वह एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड के रूप में बाहर निकल गया। और अब क्या बचा हमारे पास? CH3OH बचा। लेकिन इसमें क्या है? इसमें भी कुछ अशुद्धियाँ हैं। मतलब यह CH3OH हमें शुद्ध नहीं प्राप्त हुआ है। तो शुद्ध मेथिल एल्कोहल को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी क्रिया हम कैल्शियम क्लोराइड से कराएंगे। किससे कराएंगे? कैल्शियम क्लोराइड से कराएंगे। तो देखिए इसकी क्रिया जब हम कैल्शियम क्लोराइड से कराएंगे तो होगा यहाँ पे CaCl2 प्लस होगा आपका CH3, मतलब यहाँ पे फोर सी एच थ्री ओ एच। अब ये बनाएगा आपका सी ए
Cl2 इंटू 4 CH3OH, मतलब हमने रिएक्शन आपस में करा दिया। अब होगा क्या, आपका होगा यहाँ पर ये चीज कि ये आपका बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों बिलियन बना लिए हैं, ये दोनों बिलियन बनाए, पहले ये अलग था लेकिन यहाँ पे बिलियन बना लिया। अब क्या होगा, CS बनेगा आपका CaCl2 अलग हो जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा 4CH3OH ये अलग हो जाएगा। तो हमने इसको देखा और इस प्रकार हमारा शुद्ध मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो हमने इस प्रकार अल्कोहल को प्राप्त, इस संपूर्ण प्रक्रम को हम चार्ट अथवा तालिका द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, पाइरोग्लिनियस अम्ल को लिया और उसे गर्म कर दिया। हमने पाइरोग्लिनियस अम्ल को लिया और गर्म कर दिया। गर्म करने पर पाइरोग्लिनियस अम्ल जो है वह वाष्प के रूप में बदल गया। पाइरोग्लिनियस अम्ल किस रूप में बदल गया, वाष्प के रूप में बदल गया। इस वाष्प को हमने चूने के पानी के साथ, क्रिया कराया। जब इस वाष्प को हमने चूने के पानी के साथ क्रिया कराया तो क्या हुआ, जो इस पाइरोग्लिनियस अम्ल की वाष्प में क्या था, एसिटिक अम्ल था, जो चूने के पानी की वाष्प में एसिटिक अम्ल था वह किस में बदल गया, वह कैल्शियम एसीटेट के रूप में बदल गया। कैल्शियम एसीटेट के रूप में बदल गया। और जो हमें बिलियन प्राप्त हुआ, जो हमें मतलब यहाँ पर प्राप्त बिलियन को हमने किससे क्रिया करा दिया, किसके साथ, बिना बुझे हुए चूने के साथ या बिना बुझा चूना के साथ करा दिया। तो क्या हुआ, यहाँ से पानी बाहर निकल गया, जो मतलब इसमें पानी मौजूद था वो पानी भी बाहर निकल गया। अब इस पानी, इस निर्जल मतलब इस प्रकार निर्जल प्राप्त बिलियन को हमने मतलब इस प्रकार प्राप्त निर्जल बिलियन का हमने प्रभाजी आसवन कराया। क्या कराया, प्रभाजी आसवन कराया। जब हमने इसका प्रभाजी आसवन कराया तो क्या हुआ, हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त हुए। पहला हमें मिला एसीटोन, जो कितने ताप पर मिला, 56 डिग्री सेंटीग्रेड का, जो कितने मिला मतलब टेम्परेचर कितने पर मिला हमको प्रभाजी आसवन द्वारा, एसीटोन मिला और ये 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिला। और उसके बाद हमको क्या मिला, इसमें मिला मेथिल अल्कोहल, जो कितने मिला 65 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिला। तो हमने इस प्रक्रम द्वारा देखा कि लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि अगली कौन सी विधि है मेथिल अल्कोहल बनाने की। देखिए जो अल्कोहल बनाने की मतलब मेथिल अल्कोहल बनाने की दूसरी विधि है वह है जल गैस से मेथिल अल्कोहल। किससे है, जल गैस से मेथिल अल्कोहल। तो आइए हम समझते हैं जल गैस क्या होता है और इससे हम मेथिल अल्कोहल को कैसे बनाते हैं। देखिए आप कहोगे कि जल गैस होता है हमारा मतलब ये कार्बन है, कार्बन को हम जल से क्रिया कराएंगे, तो ये कार्बन है और ये क्या है, जल है, क्रिया कराओगे तो बनेगा आपका CO+H2। क्या बनेगा, CO+H2। और यही क्या है, यही पूरा आपका रिएक्शन जो है यही कहलाता है भाप अंगार। क्या कहलाता है, भाप अंगार अथवा जल गैस। क्या कहलाएगा, जल गैस। तो देखिए हमने क्या किया, कार्बन को जल से क्रिया करा दिया तो भाप अंगार बना अथवा क्या बना, जल गैस बना। तो हमने ये देखा। अब आइए हम समझते हैं कि इस विधि द्वारा हम मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं। आप कहोगे इस विधि द्वारा हम मेथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं और यह प्रक्रम बहुत ही सरल है और इस प्रक्रम द्वारा 99% क्या होता है, शुद्ध अल्कोहल प्राप्त होती है। कितना, शुद्ध अल्कोहल 99% प्राप्त होती है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होगा आपका कि हम लेंगे मेथिल, यहाँ पे लेंगे जल गैस CO+H2, मतलब जितनी मात्रा में हम जल गैस मान लेते हैं, यहाँ पर हमने कितना लिया, यहाँ पे हमने लिया जल गैस को मान लीजिए 1 मोल
तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन कितने लेंगे, हाइड्रोजन भी एक मोल अलग से लेंगे। तो ये आपका कितना क्या है, हाइड्रोजन है। और यहाँ पे हाइड्रोजन आप लोगे तो ये हाइड्रोजन हो गया। अब इसे आप विशिष्ट उत्प्रेरक, मतलब कुछ उत्प्रेरक इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से उत्प्रेरक हैं। ये उत्प्रेरक है आपका जिंक ऑक्साइड, क्या है, जिंक ऑक्साइड है। और साथ ही साथ आपका है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर 200 वायुमंडल दाब होगा, वायुमंडल क्या होगा आपका, दाब होगा। और इसका टेम्परेचर जो होगा वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना होगा, 450 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तब हमें बनेगा, मतलब तब हमें बनकर प्राप्त होगा CH3OH। तो देखिए आप कहोगे कि हम किसको, जल गैस को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं। ये आपके क्या हैं, उत्प्रेरक हैं। क्या हैं, उत्प्रेरक, कैटालिसिस हैं। इसकी उपस्थिति में एक क्रिया होती है। और यहाँ पर वायुमंडलीय दाब 200 होता है और 450 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है आपका, ताप होता है। जब ये क्रिया करता है तो हमको क्या प्राप्त होता है, मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो हमने देखा जल से मेथिल एल्कोहल का निर्माण, किससे, जल से मेथिल एल्कोहल का निर्माण हमने इसको देख लिया। अब आइए हम देखते हैं कि इसके आगे मेथिल एल्कोहल बनाने की, इसके आगे मेथिल एल्कोहल बनाने की और कौन कौन सी विधियां हैं उसका भी हम जिक्र करेंगे। हाँ तो दोस्तों, हम अगले भाग में शेष एल्कोहल बनाने की, मतलब शेष मेथिल एल्कोहल बनाने की विधियों का वर्णन करेंगे। यहाँ पर आइए हम देख लेते हैं कि मेथिल एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म क्या हैं और इसके उपयोग क्या हैं, क्योंकि हम अगले भाग में देखेंगे मेथिल एल्कोहल बनाने की अन्य विधियाँ और मेथिल एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब मेथिल एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। देखिए मेथिल एल्कोहल एक रंगहीन, मेथिल एल्कोहल एक रंगहीन स्प्रिट, मेथिल एल्कोहल रंगहीन स्प्रिट जैसी गंधयुक्त, स्प्रिट जैसी विशिष्ट गंधयुक्त क्या है, उदासीन द्रव है, उदासीन द्रव है। यह विषैला होता है, यह कैसे होता है, विषैला होता है, तथा इसे पीने से व्यक्ति पागल हो जाता है, इसे पीने से व्यक्ति पागल हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति इसे अधिक मात्रा में पी लेता है, जब कोई व्यक्ति इसे अधिक मात्रा में पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पुनः ध्यान दीजिए, मेथिल एल्कोहल एक रंगहीन स्प्रिट जैसी, मेथिल एल्कोहल रंगहीन स्प्रिट जैसी विशिष्ट गंधयुक्त उदासीन द्रव है। और यह विषैला पदार्थ होता है, इसका क्वथनांक जो होता है वह 64 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका क्वथनांक 64 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसे पीने से व्यक्ति पागल हो जाता है। ध्यान देंगे आप, मेथिल एल्कोहल जो होता है आपका CH3OH, इसे पीने से व्यक्ति पागल हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति इसे अधिक मात्रा में पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, जब कोई व्यक्ति इसे अधिक मात्रा में पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर अगला हम देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है, ये तो हमने पहला पॉइंट काफ़ी देर तक समझा। अब हम कहेंगे जो दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट क्या है कि यह जल में और कार्बनिक पदार्थों में, यह जल में और कार्बनिक पदार्थों में पूरी तरह से विलेय है। यह जल में और कार्बनिक पदार्थों में क्या होती है, पूर्णतः विलेय होती है। और यह जल से, और यह जल से हल्का द्रव है, क्या है, जल से हल्का द्रव है। लास्ट में हम देखेंगे यह ज्वलनशील होता है, यह ज्वलनशील होता है। और जलाने पर इसकी वाष्प नीली ज्वाला के साथ जलती है, और जलाने पर इसकी वाष्प नीली ज्वाला के साथ जलती है। तो हमने ये चीज़ देखा। और आप कहोगे यदि हमें अशुद्ध रूप में, यदि हमें अशुद्ध रूप में मेथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ है तो इसको हम, मतलब निर्जलीकृत अथवा शुद्ध बनाने के लिए इसमें हम क्या मिलाते हैं, इसमें हम मिलाते हैं कैल्शियम क्लोराइड, तब एल्कोहल क्या होता है आपका, शुद्ध हो जाता है। आइए हम इसे समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पर CaCl2 है प्लस 4CH3OH है, तो यदि आप मिलाओगे इन दोनों को तो ये पहले एक विलयन बनाएगा,
विलयन बनाया गया आपका कैल्शियम क्लोराइड और मेथिल एल्कोहल का, मेथिल एल्कोहल का बनाया गया, ये बना लिया। अब आप क्या करोगे, इसे पृथक करोगे, तो ये बनाएगा आपका CH3OH का, मतलब ये चार अणु बाहर कर देगा, CH3OH मतलब मिथिल एल्कोहल का चार अणु बाहर कर देगा और क्या बचेगा, कैल्शियम क्लोराइड बचेगा। तो हमने ये चीज़ देखा। अब आइए हम देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पर होता है, मतलब मिथिल एल्कोहल का उपयोग कहाँ पर होता है। तो देखिए, मिथिल एल्कोहल का जो पहला उपयोग है वह है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो पहला आप कहोगे मेथिल अल्कोहल का जो उपयोग है वह है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा देखिए क्या होता है, आप कहोगे पेंट वार्निश, मतलब मेथिल अल्कोहल का उपयोग पेंट वार्निश या आदि प्रकार के उद्योगों में भी किया जाता है। किसमें, पेंट वार्निश या अन्य प्रकार के उद्योगों में इसका उपयोग करते हैं। तीसरी देखिए इसकी उपयोगिता क्या है, आप कहोगे इसका उपयोग विकृतिकारक स्प्रिट के निर्माण में करते हैं, विकृतिकारक स्प्रिट के निर्माण में करते हैं। और इसके बाद आप कहोगे इसका उपयोग गैसोलिन में मिलाकर ईंधन के रूप में करते हैं, इसका उपयोग गैसोलिन में मिलाकर, किसका उपयोग मतलब किसमें, गैसोलिन में मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो देखिए गैसोलिन में मेथिल अल्कोहल को मिलाते हैं, मतलब CH3OH को मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है आपका, ईंधन के रूप में, मतलब जलने लगता है और ईंधन का काम करता है। लास्ट देखिए आप कहोगे विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्लों या कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, तो मेथिल अल्कोहल का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक और किसका उपयोग में, मतलब प्रयोग करते हैं इसका कार्बनिक यौगिक को बनाने में, साथ ही साथ आप कहोगे तो फार्मिक अम्ल, स्टिक अम्ल को बनाने में किया जाता है। तो आज हमने देखा मेथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि और इसके भौतिक गुणधर्म तथा उपयोग। अगले भाग में हम देखेंगे कि मेथिल अल्कोहल बनाने के अन्य तरीके और इसके हम रासायनिक गुणधर्म। आज यहीं तक, नमस्कार दोस्तों, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।